हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और क्लास ट्वेल्थ मैथ्स एन सी आर टी एक्सरसाइज फोर पॉइंट सेवन का पार्ट थ्री है पार्ट वन और टू वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और ये जो पार्ट थ्री है इसमें केवल तीन से चार क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है दिख रहा है कि आपके पास बिंदु है तथा संरेख संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि वन वन अब होता है तब डेल का मान जीरो होता है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होता है क्यों क्योंकि जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं और जब त्रिभुज बनेगा नहीं और यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल जीरो आएगा चीजें समझ गए क्यों होगा जीरो क्योंकि यदि सनरेख है यदि सनरेख हैं तो सनरेख में एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होंगे और त्रिभुज नहीं बनेगा और यदि त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कितना आएगा जीरो आएगा अब अपन वैल्यू पुट करते हैं देखिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जहां आपके पास एक्स वन बराबर कितना है ए स्क्वायर ठीक है एक्स टू बराबर जीरो और एक्स थ्री बराबर एक ठीक है इसी प्रकार बाई वन कमान आपके पास है जीरो y2 टू का मान है बी स्क्वायर और आपके पास वाई थ्री का मान है एक तथा यदि डेल का मान कहा जाए तो जीरो प्रसार कितना आएगा शून्य आएगा आगे अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए डेल इक्वल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर जीरो एक जीरो बी स्क्वायर एक और यहाँ पर एक एक, एक। ठीक है इक्वल जीरो आ जाएगा ठीक है ना क्यों यहाँ चाहे यहाँ पे जीरो करें चाहे यहाँ पे जीरो कर दें अच्छा इसको मैं काट दे रहा हूँ तो और अच्छा रहेगा डेल इक्वल जीरो है तो इसको मैंने जीरो के बराबर कर दिया यहाँ पर जीरो अपन ने कर दिया इसके बाद अपन क्या करते हैं प्रसार कर दें डायरेक्ट प्रसार कर दें ठीक है ना प्रसार कर दें तो जीरो के बराबर है ही है इसको प्रसार कर दें जैसे इसको लेकर प्रसार कर रहे हैं ठीक है ना ए स्क्वायर को तो देखिए जब ए स्क्वायर को लेकर प्रसार करते हैं तो आपके पास ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म ये चार बचते हैं तो वी स्क्वायर वन 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 ये हो गया फिर ये जब माइनस में जीरो करते हैं तो यहाँ पर जो भी अब अब आएगा इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म ये जीरो एक, एक एक जीरो एक एक ठीक एक, है इसके बाद जब एक को लेकर प्रसार करेंगे तो ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म तो जीरो वी स्क्वायर एक, एक एक ऐसा आएगा ठीक है ना थोड़ा समझिएगा अब जब इसको हल करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ठीक है ना ये पूरा तो जीरो ही आएगा कोई मतलब का नहीं है और जीरो का एक से तो जीरो हो जाएगा और एक का बी से तो बी स्क्वायर होगा आप कसार करते तो आपसे आता होगा इतना सारणिक हमने पढ़ा चुका है इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये पूरा जीरो ये जीरो और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया जीरो हो गया अब इधर हम केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचाएंगे पूरा दोनों माइनस को पक्षांतर करेंगे इधर जाकर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है ना अब यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बचा लें और इधर ले जाकर के इधर इधर भाग में कर देते हैं ठीक है मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्र या ऐसा भी कर दो दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग देने पर क्लियर तो यहां पर एक रहने दीजिए ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों को अलग अलग कर दूं और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्लियर तो एक बीस स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कुल मिलाकर एक में बच रहा है ए स्क्वायर और एक में बच रहा बी स्क्वायर जो कि एक के बराबर है और यही आपका आंसर था इसी को आपको प्रूव करना था क्लियर स्टूडेंट ये समझ में आ गया कि क्या प्रूव करना था यहाँ पर जो सिद्ध करना था एक बटे ए स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर बराबर एक तो आपका प्रूव हो चुका है बस प्रसार करते आना चाहिए तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखिए सारणिकों का प्रयोग करके तीन एक और नौ तीन को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कहने का मतलब एक बिंदु और है जो कि दो बिंदुओं को मिला रही है यानी तीन बिंदु हैं और समरेखी हैं एक ही रेखा पर जब तीनों बिंदु स्थित होते हैं तो समरेखी होते हैं अर्थात इन तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा नहीं और यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं तो ऑलरेडी जीरो आएगा क्यों क्योंकि त्रिभुज जब बन ही नहीं रहा और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं तो डेफिनेट है उसका जो मतलब क्षेत्रफल आएगा वो जीरो के बराबर होगा क्लियर इसलिए

या तो डेल इक्वल आप फार्मूला लगा सकते थे तो डेल का मान रख सकते थे या तो डायरेक्ट आप यहां पर डेल का मान जीरो रख सकते हैं अब यहां पर जो भी एक्स वन का मान है वो फटाफट पड़ रख दीजिए तो एक्स वन का मान कितना है तीन है ठीक है एक्स टू का मान कितना है आपके पास नौ है और एक्स थ्री का मान है एक्स इसी प्रकार देखें एक्स टू का मान देखा जाए तो कितना है एक और बाई सॉरी बाई वन का मान है एक बाई टू का मान है तीन और बाई थ्री का मान है बाई इसको अपन रख देते हैं और प्रसार कर देते हैं आंसर आसानी से आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का रखिए तीन नौ एक्स एक तीन बाई फिर एक एक, एक, एक और ये हो गया जीरो हम चाहे C1 को लेकर प्रसार कर दें चाहे R1 को लेकर प्रसार कर दें मतलब R1 को लेकर विस्तार करने पर यहां पर लिख देते हैं कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या विस्तार करने पर सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए R1 में आपका तीन एक एक है ध्यान दीजिएगा तो आप तीन ले गए तो क्या बचेगा ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म तीन एक बाई एक तीन एक वाई एक ये बचा इसके बाद बीच में होता है माइनस एक को लेंगे तो पूरा ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म तो नौ एक एक्स एक नौ एक एक्स एक ये बचा फिर आपका एक है तो प्लस एक हो जाएगा ठीक है ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म नौ तीन एक्स बाई इक्वल कितना है जीरो के आगे हल करेंगे तो तीन एक कम तीन और बाई एक कम बाई फिर माइनस एक है रहने दीजिए नौ एक कम नौ और एक्स एक कम एक्स फिर नौ एक कम नौ बाई और एक्स का तीन से तो तीन एक्स हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा जीरो आगे हल करें तीन तरकई नौ माइनस तीन बाई फिर माइनस नौ प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस नौ बाई माइनस तीन एक्स इक्वल जीरो जोड़ दें फटाफट तीन एक्स और यहां पर एक एक्स है तो तीन एक्स में एक एक्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये नौ से नौ तो कट गया और नौ बाई में तीन बाई तो छः बाई और यहाँ पर x एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दो एक्स इक्वल जीरो हो गया यदि मैं पक्षांतर कर दूं इसको चाहे पक्षांतर ना करूं तीन का भाग दे दूं तीन बाई माइनस एक्स इक्वल जीरो और जब माइनस का गुणा करूंगा दोनों पक्षों में तो एक्स माइनस तीन बाई बराबर जीरो कर दो और यही आपका समीकरण है ठीक है ना क्या निकालने के लिए बोला था रेखा का समीकरण याद कीजिए तो रेखा का समीकरण आ चुका है ठीक है तो ये क्लियर है दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं आप तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास तीन बिंदु दे के रखे हैं और सिद्ध करना है कि ए बी डैश बराबर ए डैश भी और सनरेखी है सन रेखी मतलब डेल का मान जीरो है ध्यान दीजिएगा यहां पर जो भी एक्स वन का मान है लिखते हैं एक्स वन का मान ए है देखिए यहां पर और एक्स टू का मान है ए डैश ठीक है इसी तरह आपके पास x3 का मान है a- माइनस ए ठीक है? है बाई वन का मान कितना है b है बाई टू का मान है b डैश और बाई थ्री का मान है आपके पास b- माइनस बी डैश वैल्यू पुट करते हैं डेल तथा डेल इक्वल कितना जीरो तथा डेल इक्वल कितना है जीरो तो रख दीजिए जीरो के बराबर वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो a a a माइनस ए डैश ठीक है और यहाँ पर b b डैश B माइनस बी डैश और वन 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 अब इसमें कोई भी संक्रिया लगाओ जिससे कहीं ना कहीं जीरो आ जाए और जब जीरो आ जाता है तो संक्रिया हल करने को आसान हो जाता है जैसे यहां पर एक एक दिख रहा है ना तो एक में घटा दो एक में घटा दो ऐसा संक्रिया लगा दीजिए जिससे हमारा जो प्रसार का मान है वो छोटा हो जाए तो हम दो संक्रिय लगा देते हैं आर और आर के लिए देखिएगा थोड़ा सा आर में आर घटाएंगे तो ए माइनस बी माइनस बी और एक में घटाएंगे जीरो इसी प्रकार इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा इसमें इसको घटाएंगे तो ए माइनस में हो जाएगा कुल मिलाकर टू ए डैश माइनस ए होगा फिर यहाँ पर हो जाएगा टू बी डैस माइनस बी होगा और यहाँ पर हो जाएगा जीरो ए माइनस ए और बी माइनस बी डैश और यहां पर वन हो जाएगा तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना भाई कि ये ए डैश और ए डैश जुड़ कैसे गया जब माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है ना तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा अब क्या करेंगे इसको लेकर प्रसार कर देंगे ठीक है किसको लेकर तो यहाँ पर जो संक्रिय लगाएं उसको तो लिख ही देते हैं हम संक्रिय लगा रहे हैं आर वन के लिए आर वन माइनस आर टू कर रहे हैं और आर टू के लिए लगा रहे हैं तो आर टू माइनस आर थ्री कर रहे हैं इन संक्रियाओं से हमने यहाँ पर हल किया है अब हम सी थ्री को लेकर प्रसार करेंगे मतलब तीसरे स्तंभ को लेकर प्रसार करेंगे ठीक है तो प्रसार कर दीजिए देखिए ये पूरा जीरो कर दे केवल एक ही बचेगा ठीक है ना तो जीरो बराबर एक को ले लो बस बाकी सब जीरो आ जाएगा लिखने की कोई जरूरत नहीं है a माइनस ए, ए डैश बी माइनस बी डैश टू ए डैश माइनस ए और टू बी डैश माइनस बी इतना हो गया अब इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर करें तो जीरो के बराबर आएगा तो आपके पास टू ए डैश माइनस ए इंटू बी माइनस बी डैश फिर बीच में लगता है माइनस ए माइनस ए डैश और टू बी डैश माइनस बी बराबर जीरो होगा चलिए मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे करेंगे इससे टू ए डैश बी माइनस टू ए डैश बी डैश और माइनस ए बी प्लस ए बी डैश कोष्टक लगा लें माइनस है इसलिए ए का भी से टू ए बी डैश ठीक है माइनस ए बी और माइनस टू ए डैश बी डैश और प्लस ए डैश बी जो घटे तो घटा दो जैसे यहाँ पर देखिए ये घट रहा है क्या ये नहीं घट रहा है जो भी घटे उसको आपको घटाना है ठीक है तो एक बार इसका माइनस का गुड़ा कर देते हैं टू ए डैश बी माइनस टू ए डैश बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा प्लस टू ए डैश बी डैश हो जाएगा और माइनस ए डैश बी हो जाएगा इसके आगे हल करें तो ए बी से ए बी कट रहा है ध्यान दीजिएगा टू ए डैश बी डैश टू ए डैश बी डैश घट रहा है अब यहाँ पर टू ए डैश बी है और ए डैश बी है एक घटा दो तो ए डैश बी बचेगा यहाँ पर ए बी डैश है और यहाँ पर टू ए बी डैश है तो माइनस ए बी डैश बचेगा इसको पक्षांतर कर दो तो ए डैश बी बराबर ए डैश बी बराबर ए बी डैश बचा या आप ऐसे भी कर सकते हो ए बी डैश बराबर ए डैश बी बचा और यही आपको प्रूव करना था तीसरा क्वेश्चन यजी है थोड़ा सा प्रसार करने में आपको दिक्कत होती होगी लेकिन एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपसे बन जाएगा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं